हेलो गाइस, आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन वोकैब पर। गाइस, अक्सर अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस यूज में लाते हैं, जैसे स्कूल दो कदम की दूरी पर है, मेरा घर दो कदम की दूरी पर है, बाजार दो कदम की दूरी पर है, तुम्हारा घर दो कदम की दूरी पर है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह बनाया जाता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दो कदम की दूरी पर है, इसके जगह पर नियर एट हैंड का यूज किया जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नियर एट हैंड का यूज किया जाता है। सो गाइस, लेट्स सी सम एग्जांपल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो लेट गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट सेंटेंस दैट इज, स्कूल दो कदम की दूरी पर है। द स्कूल इज नियर एट हैंड। द स्कूल इज नियर एट हैंड। मेरा घर दो कदम की दूरी पर है। माई हाउस इज नियर एट हैंड। माई हाउस इज नियर एट हैंड। बाजार दो कदम की दूरी पर है। द मार्केट इज नियर एट हैंड। द मार्केट इज नियर एट हैंड। तुम्हारा घर दो कदम की दूरी पर है। योर हाउस इज नियर एट हैंड। योर हाउस इज नियर एट हैंड। हॉस्पिटल दो कदम की दूरी पर है। द हॉस्पिटल इज नियर एट हैंड। द हॉस्पिटल इज नियर एट हैंड। सो हे गाइस, वन सेंटेंस फॉर यू। कुआं दो कदम की दूरी पर है। Please give answer in comment box and don't forget to like this video and subscribe this channel for more videos. Thanks for watching.